रहे हैं। इस बार की बारिश और बाढ़ ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सूबे के कई हिस्से पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। राज्य के 14 में से 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और अब तक 324 लोगों की जान जा चुकी है और 2,23,000 के करीब लोग बेघर हो गए हैं। इन लोगों ने 1,500 से ज्यादा राहत कैंपों में शरण ले रखी है। ट्रेन और सड़क यातायात पूरी तरह से ठप है। सड़कों और इमारतों में पानी भर गया है। तबाही के चलते फसल और संपत्तियों समेत लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। सूबे में अब भी खतरा टला नहीं है क्योंकि लगभग सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और सैलाब लगातार शहरों में घुसता जा रहा। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा भर गया है कि लोगों को बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, इस्तेमाल करना पड़ रहा है। केरल में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ऑपरेशन करुणा चला रही है। चार तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरीके से एयरफोर्स का ऑपरेशन करुणा और साथ ही आर्मी का ऑपरेशन सहयोग, नेवी का ऑपरेशन मदद और एनडीआरएफ की टीम भी लगातार अपने मिशन पर है। 5 MI-17 V5 और 3 दूसरे हेलीकॉप्टर के जरिए पथानमथिट्टा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिले में फंसे लोगों को बचाया गया है। आर्मी ऑपरेशन सहयोग के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने में जुटी और वहीं नेवी ऑपरेशन मदद के जरिए सैलाब में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। द्वीप की शक्ल ले चुके कई गांव में फंसे लोगों को निकालने के लिए अभियान जारी है। तीनों सेनाओं के अलावा एनडीआरएफ के जवान भी छतों और ऊंची जगहों पर फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक जाने में मदद कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको उस टीम को दिखाना चाहते हैं जो लगातार इस रेस्क्यू टीम या रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर लगातार काम कर रही है। आप मान के चलिए कि केरला के अंदर करीबन पूरी 100 साल के बाद यह कह सकते हैं कि इतनी भयानक बाढ़ आई है और यही वजह है कि यहाँ पर सभी फोर्सेस, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, एनडीआरएफ, सभी फोर्सेस पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर डिप्लॉयड है। इस समय हम उस टीम के साथ है जो अभी यहाँ से इस रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकलेगी। हमारे साथ कर्नल यशदीप जी हैं। कर्नल, अभी आप लोगों की जो टीम है कहाँ के लिए निकलेगी, कौन से इलाकों में आप सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं? हमारी टीम इस समय चेंगन्नूर जाएगी, वहाँ पे बाढ़ की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। पंपा रिवर के अंदर बहुत पानी बढ़ चुका था जो कि पानी आसपास के गांव के अंदर बढ़ चला गया था। दो टीमें मेरी इस समय कोजिनचेरी के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। उन्होंने करीब 1,000 के आसपास लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया है, पर उधर से चेंगन्नूर की तरफ हम लोग हरकत नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज बीच में अरनमुला के अंदर पानी बहुत ज्यादा है। कर्नल, सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि आप सुबह से ही यहाँ पर आप तैयारियां कर रहे हैं, लगातार चीजें जो है आप खाने की या दूसरी चीज, क्या आप हमको दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो केरला के लोगों के लिए आप अलग अलग इलाकों के लिए भेज रहे हैं? जैसे कि आप ये देखेंगे, ये हमने एक राफ्ट बनाई है हमारी खुद की गाड़ियों के टायर के अंदर हवा भर के और उसके ऊपर प्लैंक लगा के। राजीव, ज्यादातर जगहों पर खासतौर पर जब आप ऐसे बड़े ऑपरेशन चलाने होते हैं तो साजो सामान की कमी पड़ती है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को मॉडिफाई करके और इनको राहत कार्यों के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है और ना सिर्फ ऐसी चीजों को बल्कि खाने पीने की भी। कर्नल, कई ऐसी चीजें हैं जो पहुंचाई जा रही है? हम लोग अपने साथ में राशन कैरी कर रहे हैं, साथ में खाना पकाने के लिए तेल भी है। उसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरत जो लोगों को पड़ रही है वो है पानी की, क्योंकि वहां पे पीने का पानी खत्म हो चुका है, तो इसके लिए हम लोग पानी की बोतलें और जेरी कैन के अंदर भी पानी भर के साथ में ले जा रहे हैं। यानी आप ये जेरी कैन जो, अगर राजीव, अगर आप देख रहे हो, हालांकि इन कैन्स के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि ऑयल या फिर दूसरी चीजें, तो इनको पानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है राजीव, और इन्हीं के लिए इनको खाली कर अगर कहीं पर रेस्क्यू टीम को मदद पड़ती है तो उसको भी इस्तेमाल किया, यानी हर चीज का इस्तेमाल पूरी चीज से, मतलब पूरी सावधानी से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सेतु के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, त्रिवेंद्रपुरम। तो केरल में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। इस तबाही के बीच आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान देवदूत की भूमिका निभा रहे हैं। जवान फरिश्तों की तरह जमीन पर उतरकर बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचा रहे हैं। शौर्य चक्र विजेता नेवी के कैप्टन पी राजकुमार ने ऐसे इलाके से 26 लोगों को एयरलिफ्ट किया जहां मौजूदा हालात में इंसान का जाना बेहद मुश्किल था। घने पेड़ों के बीच कैप्टन कुमार ने CK-42B चौपर घर की छत पर उतारकर इन लोगों की जान बचाई। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैप्टन पी राजकुमार ने नेवी के हेलीकॉप्टर को एक घर की छत पर न सिर्फ सुरक्षित उतारा बल्कि वहां फंसे 26 लोगों को मौत के मुंह से बाहर भी निकाला। केरल में सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई है कि जल और जमीन का अंतर भी मिट गया है। भगवान का घर कहे जाने वाले केरल के लगभग सभी शहर समंदर में तब्दील हो चुके हैं। इन शहरों की सड़कों पर नावें दौड़ रही हैं, नावें चल रही हैं,
पहाड़ी इलाकों में पहाड़ के हिस्से जमीन पर गिरने से सड़कें जाम हो चुकी हैं, जिससे बाकी जगहों से उनका संपर्क टूटता जा रहा है। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना मुश्किल हो गया है। द्वीप की शक्ल ले चुके कई गांव में फंसे लोगों को निकालने का अभियान जारी है। युद्ध स्तर पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में नेवी की 46, एयरफोर्स की 13 और आर्मी की 18 टीमों के साथ साथ 16 कोस्ट गार्ड और 21 एनडीआरएफ की टीम्स दिन रात लोगों को बचाने में जुटी हैं। नावों से नहीं पहुंचने लायक जगहों में फंसी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेना के हेलीकॉप्टरों से सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम चल रहा है। बाढ़ के चलते देश के इस सबसे खूबसूरत राज्य की तस्वीर बदरंग हो गई है। पर्यटन उद्योग यहां पर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। हजारों एकड़ खेत में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सूबे के बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के कारण कोची एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और एयर इंडिया ने कोची की अपनी विमान सेवाओं को तिरुवनंतपुरम से शुरू किया है। रेल यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राज्य में गुजरने वाली या चलने वाली 35 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। कई इलाकों में पीने वाला पानी है, जो उसका भी संकट खड़ा हो गया है। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से लोगों को बचाने का काम वहां किया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है और नाव की मदद से भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पिछले 100 सालों की सबसे भयानक बाढ़ की चपेट में आए केरल में हालात का जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। हवाई सर्वे उन्होंने किया। पीएम के साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी मौजूद थे। पीएम ने बाढ़ प्रभावित केरल के लिए 500 करोड़ रुपए की तत्काल मदद का ऐलान किया है। 500 करोड़ से पहले केंद्र 100 करोड़ की राशि पहले भी दे चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से बारिश और बाढ़ के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया। हवाई सर्वे से पहले पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ की इस विभीषिका से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। पीएम मोदी ने बाढ़ में हुई लोगों की मौतों पर दुख जताया और संकट की इस घड़ी में केरल के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हवाई सर्वे से पहले समीक्षा बैठक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचने के बाद, उसके बाद दूसरी तस्वीरें देखी। हवाई सर्वे करते हुए केरल के मुख्यमंत्री उनके साथ थे। तस्वीरों में आप जिधर देखिए उधर सिर्फ सैलाब, पानी, तबाही और बर्बादी के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। केरल के 14 जिले और 14 में से 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक की सबसे ज्यादा विभीषिका, पिछले 100 सालों में कभी इतनी ज्यादा बाढ़ से बर्बादी वहां पर हुई नहीं है और तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। जिधर देखिए उधर पानी, सैलाब और तबाही और बर्बादी के निशान। पीएम मोदी की ओर से केरल को दी गई राहत राशि पर राजनीति भी शुरू हो गई है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने इस मदद को नाकाफी बताया है। पिनराई विजयन ने ट्वीट कर कहा कि पीएम से 2000 करोड़ रुपए की तत्काल मांग की गई थी, जिसमें से पीएम ने 500 करोड़ की राशि की मदद का ऐलान किया। तंज कसने की शैली में विजयन ने कहा कि इस मदद के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद। सीएम पिनराई विजयन ने जानकारी दी है कि सूबे में 19,512 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री से अपील की, कहा कि डियर पीएम, प्लीज केरल की बाढ़ को बिना किसी तरह की देरी किए हुए राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए। हमारे लाखों लोगों का जीवन, आजीविका और भविष्य दांव पर लगा हुआ है। सैलाब के संकट से जूझ रहे केरल में लैंडस्लाइड भी आफत बनी हुई है। कन्नूर जिले से लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर मलबे के रूप में बहता हुआ आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और लैंडस्लाइड की पहली घटना के तुरंत बाद एक और घटना होती है। इसी पहाड़ी का एक और हिस्सा टूटकर बहते हुए नीचे बह रही नदी में आ मिलता है। ऐसी घटनाएं केरल के हर सूबे में हो रही है। इस तरीके की लैंडस्लाइड की बढ़ती घटनाओं के चलते अहम जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं, सड़कें जाम हो चुकी हैं, लोगों की जान माल पर भारी खतरा मंडरा रहा है। और ऐसी ही तस्वीरें जो पहाड़ी इलाके हैं केरल के, वहां पर आमतौर पर देखने को मिल रही हैं। जबरदस्त तरीके से बाढ़ और बारिश और इसकी वजह से लैंडस्लाइड की घटनाओं में जबरदस्त तरीके से तेजी आई है। सड़कें टूट गई हैं, सड़कें जाम हो गई हैं और लोगों को इससे भारी नुकसान झेलना पड़ा। सुमित हमारे साथ इस वक्त केरल से लाइव जुड़ गए हैं। सुमित, आपसे ग्राउंड रियलिटी जानना चाहेंगे, इस वक्त क्या हालात है वहां पर? 13 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं, 2,23,000 के करीब लोगों को बचाया जा चुका है। क्या कुछ ऑफिशियल डेटा है आपके पास कि कितने और लोगों को अभी रेस्क्यू किया जाना बाकी है?
रोज करीबन हजारों लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं अलग अलग इलाकों के अंदर, खासतौर पर नॉर्थ चुका है केरल का पार्ट है, सबसे ज्यादा प्रभावित वही है। हम इस समय सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम इस समय जहां मौजूद है ये इंडियन एयरफोर्स का टेक्निकल एयरपोर्ट है त्रिवेंद्रम का, जहां से सेंट्रलाइज सारे ऑपरेशन या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ मटीरियल पहुंचाया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको दिखाए कि सामने IL-76 आपको नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर जो अभी रिलीफ मटीरियल है वो डाला जा रहा है ताकि इसको अलग अलग इलाकों में भेजा जाए। और दूसरी तरफ जो है हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको सारंग और दूसरे हेलीकॉप्टर्स यहां से उड़ चुके हैं, कई हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर्स यहां मौजूद हैं जिनको दोबारा से ठीक किया जा रहा है ताकि ये दोबारा से सॉटी भर सके। आइए मैं आपको दूसरी तस्वीरें दिखाता हूं कि ना सिर्फ प्रशासन, आर्मी, दूसरे लोग, एयरफोर्स, बल्कि जो लोग हैं खासतौर पर वो किस तरीके से यहां पर रिलीफ मटेरियल के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको लेके चलूं, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको दिखाने की कोशिश करें कि हर जगह खासतौर पर ना सिर्फ एयरबेस के ऊपर बल्कि त्रिवेंद्रम में दूसरी अलग अलग जगहों के ऊपर ऐसे ही कुछ कुछ कैंप्स लगे हुए हैं जहां से रिलीफ मटीरियल जो है अलग अलग इलाकों में पहुंच रहा है। एक तस्वीर आप देखिए कि यहां पर आपको नजर 2400 घंटे यहां पर लोग जो है यहां पर इन रिलीफ मटीरियल्स के पैकेट्स को बना बना के यहां से इन ट्रक्स के अंदर भर रहे हैं और इन ट्रक्स से फिर ये आगे एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें कि जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं या तो ये स्कूल स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर एमएनसीज में काम करते हैं जो अपने काम खत्म करने के बाद यहाँ पर इनको इनके लिए पैकेट्स तैयार करें। इन पैकेट्स के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि इन सभी पैकेट्स के अंदर आप देखेंगे ना सिर्फ खाने पीने के सामान, बिस्किट, दूध, जूस, पीने का पानी, मोमबत्ती, ऐसे जो बेसिक चीजें जो जरूरत पड़ती है किसी भी जगह वो, और सबसे ज्यादा जो है वो है पानी। जी हाँ, सबसे ज्यादा पानी की सप्लाई की जा रही है क्योंकि इन इलाकों के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। यानी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है, ऐसे इलाकों में सीधे तौर पर इन पानियों को बॉटल्स को पहुंचाया जा रहा है ताकि कम से कम लोगों को पीने का पानी मिल सके। ये कुछ हालात मैं आपको बताऊं कि पूरे आप केरला में देखें कि नॉर्थ पार्ट में सबसे ज्यादा ये दिक्कत है, कम्युनिकेशन टूट चुका है, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, यही रेस्क्यू ऑपरेशन या रिलीफ मटेरियल पहुंचाने में दिक्कत भी आ रही है क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं इंटीरियर्स के जहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाए या फिर उनसे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। जी चलिए सुमित, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय वायुसेना के टेक्निकल एयरपोर्ट से सुमित चौधरी ये बता रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। मिशा, और पिछले 100 सालों में बाढ़ की वजह से केरल में इतनी ज्यादा विभीषिका, इतनी ज्यादा तबाही, इतनी ज्यादा बर्बादी नहीं हुई। जी।